एक ओर देश भर में स्वच्छता की मुहिम चल रही है, वहीं दूसरी ओर बुरकुंडा पुराने सब्जी मार्केट में वर्षों से कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहां के दुकानदारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके साफ सफाई को लेकर कहीं से कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ गोदाम है जो रख रखाव के अभाव में बेकार हो चुका है। यहाँ वर्षों से कूड़ा कचरा जमा है जिसे आज तक हटाया नहीं जा सका। आसपास कपड़ा, मसाला और जूते चप्पल की कई दुकानें हैं। दुकानदार बताते हैं कि कचरे की दुर्गंध से लोगों को परेशानी होती है, यही वजह है कि लोग इस रास्ते से गुजरना भी नहीं चाहते। मार्केट में सिसल प्रबंधन का जो बंद पड़ा हुआ गोदाम था बहुत पहले का, अभी उसमें बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जमा हो गया है, जिसके कारण भुरकुंडा बाजार के दुकानदारों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उस कूड़ा करकट में कभी कभी कोई जानवर मर जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा कभी स्मेल भी आती है कभी कभी। अगर सिसल प्रबंधन और यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं कुछ ध्यान दे दें तो यहाँ का साफ सफाई हो सकता है, और इसमें कुछ दुकानदार अपना जीवन यापन करने के लिए दुकान भी लगा सकते हैं। इससे मार्केट को भी अच्छा थोड़ा बढ़िया रहे काम हो जाएगा। मेरा नाम शिव कुमार साहू है। काम अग्रवाल तो समस्या कर लो, ये कचरा का यहाँ ढेर पड़ा हुआ है। सब्जी मार्केट पुराना मार्केट है ये, बहुत दिनों से ढेर पड़ा। अगर ये साफ सफाई हो जाएगा तो यहाँ समस्या बाजार का हो जाएगा।